भाई बहुत सारे जैसे बैकएंड यूजर्स हैं जिनको प्रॉब्लम हो आ रही है कि जो अपना पेपर चलाते हैं और पेपर में जिनको चलाना नहीं आता है, उसमें उनको सारी प्रॉब्लम का सॉल्व करने वाला हूँ। चाहे आप जोन सी डिवाइस चलाइए या कुछ सारी डिवाइस इसमें वर्क करने वाली है। तो मैं फटाफट और वेट को पॉइंट ओपन कर लेता हूँ। मैंने पे पॉइंट ओपन किया, किन किन भाई को दिक्कत आ रही है। O20 लिमिट बता रहा है, AEPS लिमिट बता रहा है, इनका मतलब क्या होता है। आपको कुछ डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई बड़ा वो इशू नहीं आ रहा है, ठीक है। तो O20 लिमिट क्या होता है, आपको मनी ट्रांसफर करना है। इसमें सिंपली मनी ट्रांसफर पर क्लिक करता हूँ, थोड़ा बैक कर लेता हूँ, थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, मनी ट्रांसफर पर क्लिक करता हूँ। मनी ट्रांसफर क्लिक करने के बाद आपको 20 मनी बजाना है और आपको IMPS लिमिट। अरे भाई, ये दो जो मोड होते हैं IMPS और NEFT, इनका मतलब IMPS में रुपया आपका मनी ट्रांसफर में 1 से 10 मिनट के बीच में आ जाता है और NEFT में मिनिमम 1 आवर से 10 आवर के बीच में लगता है तो आ जाता है, ठीक है। आपको कैसे करना होगा, मैं नंबर डालता हूँ, कोई सिंपली मैं नंबर डाला यहाँ पे, कोई भी जैसे नंबर डाला, मैं जैसे नंबर डालूंगा तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिक बेनिफिशियरी ऐड करने को आ जाए। मैं इसकी बेनिफिशियरी ऑटोमेटिक ऐड कर सकता हूँ, ऐड कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे बोल रहा है क्या रुपये सेंड कर सकते हो। नीचे आप बेनिफिशियरी क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अमाउंट डालोगे, जितने मुझे आपको सेंड करना है अमाउंट डालिए। मिनिमम आपको 100 रुपीज़ सेंड करने पड़ते हैं। अगर आप उसमें 100 रुपीज़ सेंड करोगे, इसमें मैं 100 रुपीज़ डाल देता हूँ और आपको चार्ज करना, आपको फ्रेंड्स यहाँ पे 10 रुपये का चार्ज लगने वाला है। आप 100 रुपीज़ सेंड करोगे तो अगर आपके वॉलेट में 100 रुपीज़ हैं तो आप सेंड नहीं कर सकते। अगर आपके पास वॉलेट में यहाँ पे O20 लिमिट में आपके पास मिनिमम 110 रुपये होने चाहिए और जब आप उसमें 100 रुपये डालोगे तो आपके 110 रुपये कट के उसमें आ जाएगा और आपका कमीशन आएगा 3 रुपये। फ्रेंड्स कमीशन ऐसा बनता है कि 100 रुपये 3 रुपये बनेगा, ऐसे ही आपका कमीशन 10 रुपये में कुछ नहीं बनेगा, 1000 रुपये में आपका 10 रुपये कमीशन बन जाएगा। तो वो आपको O20 लिमिट में ऐड हो जाएगा। अब बताते हैं APS लिमिट की बात करते हैं। APS लिमिट में क्या, माइक्रो ATM में क्लिक कीजिए, मिनी स्टेटमेंट एंड बड़ी, आपको चूज परफॉर्म बाय पर क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद आपको चैनल पर जाना है। मिनी स्टेटमेंट निकालना हो, विड्रॉल अमाउंट करना हो, बैलेंस वेरी करना हो, आपको तीनों ये आप कर सकते हैं एक साथ। मिनी स्टेटमेंट क्लिक कीजिए, आपको बैंक सेलेक्ट करनी है। अभी मैं आपको बैंक बता दूँ कौन सेलेक्ट करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे हमारा कोई सी बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे कर दिया बैंक बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक और यहाँ पे कोई भी आधार नंबर डाल दीजिए कस्टमर का और स्कैन फिंगर पर कीजिए, आपके स्कैन हो जाए फिंगर और आपको उसका मिनी स्टेटमेंट निकल आएगा। स्टैंड मिनी स्टेटमेंट रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है और उसके स्टेटमेंट आप उसको निकाल के दे सकते हो। अब बात करते हैं आपको मतलब आपको इसमें कैसे काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आपको इस प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पे आप पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप सिस्टम में भी चला सकते हैं। अगर आप सिस्टम नहीं है तो आप मोबाइल से भी काम कर सकते हैं पे पॉइंट का जरिए। अब आपको बात करते हैं पॉइंट वाइज फ्रेंड, मंत्र यूज़ करनी है आपको प्ले स्टोर पर जाना है, मंत्र डालना है। मंत्र आप जैसे डालोगे तो आपको आपको एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, आपको थोड़ा नहीं जाना है मंत्र आईडी सर्विस, ठीक है। मेरे में इंस्टॉल्ड मंत्र आईडी सर्विस आप क्लिक करना है, इसको क्लिक आपको अपनी आईडी सर्विस लगाओगे तो यहाँ इंटरनेट अवेलेबल, तो ठीक है तो इंटरनेट अवेलेबल बोल रहा है और मतलब उसने मेरे सर्वर का ऑटोमेटिक कर लिया, डिवाइस कनेक्टेड दिखा रहा है। डिवाइस जैसे कनेक्टेड हो जाएगी फ्रेंड्स आपका, अभी आप जैसे डिवाइस लगाओगे अभी आपका डिवाइस कनेक्टेड नहीं होगा, जब तक नहीं हुआ तब तक आप OTG को इनेबल कर लोगे। भाई OTG कौन सी बीमारी है, OTG कोई बीमारी नहीं है फ्रेंड्स, आपको बता दूँ। सेटिंग में जाना है आपको और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ डालना है सर्च में OTG। मैंने OTG डाला, रिवर्स चार्ज एंड OTG पे क्लिक करना है आपको। OTG क्लिक करने के बाद आपको रिवर्स चार्ज एंड OTG दोबारा क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हो आपका OTG चालू हो जाएगा। आपका जिस OTG चालू हो जाता है आपको दोबारा से उसी पर जाना है मंत्राली सर्विस पे और मंत्राली सर्विस को दोबारा निकाल के दोबारा लगाना है। अब ऐसा नहीं है इसमें आप मंत्री चला सकते, आपको अगर आपका मोर्फो है तो आप मोर्फो को भी चला सकते हो। इसमें आपको मोर्फो चला के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड मैंने मोर्फो आईडी सर्विस पे क्लिक किया, मोर्फो आईडी सर्विस को भी डाउनलोड कर, भाई 4 MB की फाइल है, कोई बढ़िया फाइल नहीं है, और इसको डाउनलोड कीजिए और वही सेम प्रोसेस इसी में भी करना है और आपका पे पॉइंट अच्छे से वर्क करना चालू हो जाएगा। अब बात करते मेन मुद्दे की। लोग कहते हैं कि अब आपको AEPS लिमिट है, इसके रुपए अपने बैंक में कैसे मूव करने हैं। कुछ ज़्यादा मेहनत की बात नहीं है, आराम से मूव हो जाएंगे। बात क्या करते हैं O20 लिमिट, O20 लिमिट आपको दिखा रहा है 17 रुपये। ये पैसे आप मनी ट्रांसफर में यूज़ कर सकते हो, इसको आप बैंक विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, इसको आप बैंक विड्रॉ उस तरीके से कर सकते हो कि आप अपनी बैंक आपको बेनिफिशियरी ऐड करनी पड़ेगी, उसको अपने बैंक विड्रॉ कर सकते हो। AEPS वाले जो होते हैं आधार कार्ड से जो कस्टमर रुपये निकालते हैं वो आप डायरेक्टली बैंक में विड्रॉ कर सकते हो, चाहे आप एक बैंक जोड़ो चाहे आप दो बैंक जोड़ो। अब AEPS लिमिट में रुपए कैसे जाएंगे तो लोगों का यही डाउट होता है, तो आज उनको लोगों का डाउट मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो आपको एलिमेंट पर क्लिक करना है, एलिमेंट पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको जाना है, यहाँ पे फ्रॉम AEPS दो लेटर टू बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पे IMPS NEFT, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप NEFT से करो, भले ही 1 घंटा में पर रुपये आपका फंसता नहीं, IMPS रुपये आपका फंस जाता है। NEFT पे क्लिक कीजिए, चूज बैंक पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे ये थोड़ी है कि भाई साहब 1000 रुपये का जाएंगे, ना ना ना, जो आपने पे पॉइंट में लगाई होगी वही बैंक आएगी। जैसे मैंने दो बैंक ऐड कर रखी है, मैंने पेटीएम की बैंक ऐड कर रखी है, लगाया और मिनिमम इसमें आप 1000 रुपये, मिनिमम आप 1000 रुपये अपने बैंक में ले सकते हो। और
1 लाख पे आपको लगेगा 10 रुपये चार्ज, और 1000 से 50000 के बीच में आपको लगेगा 500 रुपये चार्ज। तो आप अमाउंट डालिए, और डालने के बाद आप सेंड लिमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दीजिए। मैं भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी करना नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो और अपना पे पॉइंट बढ़िया से कर सकते हो और अर्निंग बढ़िया से बचा सकते हो। तो अब बात करते हैं आपको पे पॉइंट का, जिनके पास आईडी है वो तो बहुत बढ़िया, जिनको आईडी नहीं है वो कैसे ले सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली आईडी मैं आपको दे दूंगा फ्री में। मैं आपको पे पॉइंट की आईडी फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा, आपको फ्री में पे पॉइंट की आईडी मिल जाएगी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा अपना, मुझे व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कीजिए, और आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको फ्री में पे पॉइंट की आईडी प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक का बटन वहाँ से हिला दें फ्रेंड्स। तो मेरा चैनल न्यू है, प्लीज़ सपोर्ट गाइज, एंड जय हिंद जय भारत।